हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बायोलॉजी विद मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका हम टॉपिक वाइज डिटेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो हम चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन पर लेकर के। तो पहला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर जो होते हैं वो कौन सा भाग होता है। तो आपने आंसर इसका ईजिली तरीके से दे दिया होगा कि जो पुंकेसर भाग होता है उसे हम नर जननांग कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि जो यहाँ पे नर जननांग भाग होता है उसके अतिरिक्त जो प्लांट होता है उसके फ्लावर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो है हमारे फ्लावर का डायग्राम है ये। तो यहाँ पे इस फ्लावर के ऊपर ऐसे आपको नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोथेलस। क्या कहलाता है ये स्ट्रक्चर? आपको प्रोथेलस कहलाता है। ये भाग हमारा फ्यूनिकल कहलाता है। कौन सा फ्यूनिकल? ये भाग जो होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबरी कहते हैं। इसी ओबरी में ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम ओब्यूल कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओब्यूल कहते हैं। ये जो भाग होता है इसे हम स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। अब यहीं से दो प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे निकले हुए, तो इन निकले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम कैलिक्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कैलिक्स, इसे बोलते हैं कोरोला। और इसी के साइड में ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम को ही क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो ये पौधे का कौन सा भाग हो गया? नर भाग हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर हो गया 125। अब ये कैसे 125 आया है इसके बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर आपने दे दिया है 125 होता है, तो 125 कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो कि 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 100। तो यहाँ पे 100 जो लिखा हुआ है, अर्धसूत्री का मतलब होता है कि कोई एकमात्र पुत्री कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। तो 4 से हम 25 को काट देंगे तो 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब ये जो 25 आया है ये अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे इसका आंसर है। यदि आपको पूछा है क्वेश्चन में कि कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो आप आंसर लगाएंगे 25, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया रहता है 100, उसे और 25 को जोड़ करके 125 लिख देंगे, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 125। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराग कोष में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने आंसर दे दिया होगा कि लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके बारे में हम अब कुछ डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो डिटेल में क्या होगा कि यहाँ पे आपके सामने एक हम स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी बताई गई आपको? 4 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में कि हम आपको 4 लघु बीजाणु धानियों को दिखा रहे हैं। अब इस लघु बीजाणु धानियों में जो ये बैठा हुआ भाग होता है इसे हम स्टोमियम बोलते हैं, और ये जो भाग होता है हमारा बीच का, यहाँ पे ये उलझा हुआ और ठोस संरचना पाई जाती है जिसे हम प्रोकैम्बियल संरचना बोलते हैं। अब जो ये लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं इनके ऊपर 4 लेयर पाई जाती हैं। कितनी? 4 लेयर पाई जाती हैं। इन 4 लेयर में जो पहली लेयर होती है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी वाली जो होती है इसे हम इंडो थीसियम कहते हैं, और तीसरी वाली जो परत होती है इसे हम मिडल लेयर कहते हैं, और सबसे अंतः जो परत पाई जाती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे हम टेपिटम कहते हैं। तो टेपिटम का वर्क होता है कि अंदर जहाँ पे पोलन ग्रेन भरे रहते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, और या उसे हम न्यूसलस कहते हैं। तो ये न्यूसलस को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएँ कौन सी होती हैं? टेपिटम। तो इस प्रकार से आपने देख लिया होगा कि लघु बीजाणुधानी में एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, एक ये, तो टोटल मिला के कितनी लघु बीजाणुधानियाँ हो गई? 4। तभी इसका आंसर कितना हो गया? 4।
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि बहुभुर्णता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो आपने ईजिली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि बहुभुर्णता की खोज करने वाले वैज्ञानिक लीवेनहॉक को माना जाता है। अब यहाँ पे जो लीवेनहॉक साहब हैं, इसके अतिरिक्त जो विकल्प दिए हैं महेश्वरी, तो महेश्वरी सर को जाना जाता है। पंचानन जो है महेश्वरी, ये भ्रूण विज्ञान के पिता कहलाते हैं। यहाँ पे विकल्प में तीसरा दिया है सी बिंकलर, तो बिंकलर ने असंग जनन की खोज यानी एपोमिक्सिस की खोज की थी। यहाँ पे चौथा विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की 1665 में खोज की थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे वीडियो में बने रहिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करिए। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश, यानी कोई बीजांड होता है तो उसमें पराग नलिका किस मेथड से प्रवेश करती है, इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है, किसके द्वारा, अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अध्यावरण से प्रवेश करेगी तो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे, तो विकल्प में आपको दिख रहा होगा कि जब अध्यावरण से प्रवेश करे तो वहाँ पे कंडीशन दिखाई देगी आपको मीजोगेमी। कौन सी, मीजोगेमी। अब स्पोरोगेमी चलेजोगेमी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे जो है अब कंडीशन को हम देखते हैं कि चलेजोगेमी क्या है। तो चलेजोगेमी में क्या होता है कि ये आपको दिख रहा होगा कोई बीजांड, ये कौन सा है, आपको कोई ये बीजांड दिख रहा है। अब इस बीजांड में क्या होगा कि यहाँ पे जो होता है ये बीजांड स्थित होता है, तो इस बीजांड में जो है ये वाला भाग हमारा कहलाता है फ्यूनिकल, और ये कहलाता है आउटर इंटेगुमेंट। कौन सा कहलाता है, आउटर इंटेगुमेंट कहलाता है, और इसे हम इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन, जो पोलन ट्यूब होती है, वो ऐसे प्रवेश कर रही है, कैसे ऐसे प्रवेश कर रही है, तो इस कंडीशन को हम मीजोगेमी कहेंगे। और यदि पोलन, और ये भाग हमारा कौन सा कहलाता है, चलेजा, क्या कहलाता है, चलाजा, जिसे हम निभाग कहते हैं। तो जब कोई पोलन ट्यूब चलाजा की ओर से प्रवेश करती है किसी बीजांड में, तो इस कंडीशन को हम चलेजोगेमी कहते हैं। और यदि कोई पोलन ट्यूब जो होती है वो माइक्रोपाइल, ये कौन सा इंड होता है, माइक्रोपाइल इंड होता है, तो जब माइक्रोपाइल की ओर से कोई प्रवेश करती है पोलन ट्यूब, तो उसे हम स्पोरोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोगेमी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा कि जो आउटर इंटेगुमेंट से प्रवेश करेगा तो उसे मीजोगेमी कहेंगे, और यदि कोई पोलन ट्यूब जो है चलाजा की ओर से प्रवेश करेगी तो उसे हम चलेजोगेमी कहेंगे, और जब कोई पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से प्रवेश करेगी तो इसे हम स्पोरोगेमी कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि चलाजा की ओर से जब प्रवेश करती है तो इसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है, तो केजुराइना में मिलता है। और यदि स्पोरोगेमी का एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है, तो ये लिली के प्लांट में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप इजीली तरीके से आंसर दे पा रहे होंगे कि हमने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन पूछेगा तो ओनली डिवाइड करके आंसर हो जाएगा, लेकिन यदि आवश्यकता पूछेगा तो टोटल करेंगे। तो यहाँ सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन की संख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने आंसर क्लिक कर दिया होगा कि यहाँ पे 50 आंसर होगा। अब हम इसकी कुछ डिटेल दे रहे हैं आपको, आप जो है देखिए, उसके बाद ये आपको इजीली तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा था कि 200 जो है लघु बीजाणु निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि अर्धसूत्री विभाजन एकमात्र पुत्री कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4। तो यहाँ पे हमने काट के इसको कितना ला दिया, ये भाई 50 ला दिया। अब हमने कहा था जो पहले दिया रहता है 200, जैसे यहाँ पे 200 दिया है, अब इसमें यदि आवश्यकता पूछता तो 50 जोड़ देते, तब हमारा आंसर कितना हो जाता, 250 हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा था कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो आपका आंसर इतना ही राइट था, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है कि जो साल्विया का प्लांट होता है उसमें किस प्रकार का पोलिनेशन पाया जाता है, तो आपने इसको भी बड़े इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि इसमें कीट परागण पाया जाता है। यहाँ पे वायु परागण जो होता है वो मक्के के पौधे में स्व परागण पाया जाता है, ये याद रखना, वायु परागण विभिन्न प्रकार के पौधों में पाया जाता है, जल परागण जो होता है ये भी पाया जाता है विभिन्न प्रकार के पौधों में, इसकी डिटेल हम अपने वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, आप वहां जाकर देखिए। तो यहां पे जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निभाग जो है वो कहाँ पाए जाने वाला संरचना होती है, निभाग कहाँ पाए जाने वाली संरचना होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। तो ये बीजांड में पाए जाने वाली संरचना होती है, कहाँ पे, बीजांड में पाए जाने वाली संरचना होती है। अब यहाँ पे जो बीजांड होता है हम इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहे हैं, और आप देखिए बने रहिए हमारे वीडियो में।
तो यहाँ पे आपको बीजांड का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिए ये जो होता है ये हमारा बीजांड है, कौन सा है, बीजांड स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इस बीजांड स्ट्रक्चर में जो है ये आपको भ्रूण पोष दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो बीजांड है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर तीन प्रकार से ये सेल पाई जाती हैं, इधर भी तीन प्रकार की सेल पाई जाती हैं। इनके ऊपर छोटी सी फिल्ली फॉर्म सेल लगी होती हैं। ये पार्ट कौन सा होता है, चलाजा होता है। इसे आउटर इंटेगूमेंट, इसे इनर इंटेगूमेंट कहते हैं, इसे फ्यूनिकल कहते हैं, इसे हाइलम कहते हैं। और ये जो भाग होता है, ये सेल होती हैं, इन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। और एंटीपोडल सेल जो होती हैं ये प्रतिमुख कोशिकाएँ कहलाती हैं, चलाजा को हम निभाग कहते हैं। और ये बीजांड स्ट्रक्चर है, इधर हम माइक्रोपाइल पाए जाते हैं। क्या माइक्रोपाइल पाए जाते हैं, माइक्रोपाइल के साइड में ये जो सेल्स लगी हैं इन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। और सिनर्जिड सेल के ऊपर ही एग सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, एग सेल। और सिनर्जिड सेल के थोड़ा सा ऊपर फिलिफॉर्म सेल पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने ये डिटेल क्लियर कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें कौन सा भाग जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, कौन सा भाग हेप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कौन सा भाग हेप्लॉयड होगा। तो आपने इसका इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि पौधे का जो नर युग्मक होता है वो हमेशा हेप्लॉयड होता है। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है लीफ जो होती है यानी पत्ती जो होती है, पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। तना जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। और जड़ जो होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। तो इस प्रकार तीनों पार्टों में जो होती है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n। तो यानी तीनों में कैसे गुणसूत्र होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जबकि पोलन ग्रेन में हमने क्या बताया कि इसमें हेप्लॉयड गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर इंडो स्पर्म होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3n होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3n होती है। न्यूसिलस में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, कितनी, 2n होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, एक प्रारूपी आवृत बीजी का जो भ्रूण कोष होता है वो परिपक्व हो जाता है तो कितने कोशिकीय और कितने केंद्र की स्ट्रक्चर बनाकर तैयार करता है। तो आपने बड़ा इजीली तरीके से इसका आंसर दे दिया होगा कि ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि घोड़े की नाल के समान कौन सा बीजांड पाया जाता है। तो आपने इसका बड़े इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि इस प्रकार के बीजांड को हम एम्फीट्रॉपस बीजांड कहते हैं। अब बीजांड कितने प्रकार के पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे जो बीजांड होता है इसमें आपने एम्फीट्रॉपस लगाया है क्योंकि एम्फीट्रॉपस जो बीजांड होता है उसमें घोड़े के नाल के समान संरचना दिखाई देती है, और घोड़े के नाल के समान संरचना दिखाई देती है। तो बीजांड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। कितने, 6 टाइप के बीजांड पाए जाते हैं। तो ये जो 6 टाइप के बीजांड पाए जाते हैं इनका हम डिटेल देख लेते हैं कि पहला जो बीजांड होता है उसे हम आर्थोट्रापस कहते हैं। कौन सा, आर्थोट्रापस। और आर्थोट्रापस में क्या होता है, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम आर्थोट्रापस कहते हैं। और दूसरा बीजांड हमारा एनाट्रापस होता है, इसमें सिर्फ चलाजा और माइक्रोपाइल एक सीध में पाए जाते हैं। तो आर्थोट्रापस बीजांड जो होता है ये साइकस में देखने को मिलता है, किसमें, साइकस में देखने को मिलता है। और एनाट्रापस जो बीजांड होता है ये पाइनस में देखने को मिलता है, किसमें, पाइनस में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फीट्रॉपस की। तो एम्फीट्रॉपस में घोड़े के नाल के समान पाया जाता है, ये आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं हेमीट्रॉपस, कौन सा, हेमीट्रॉपस। तो हेमीट्रॉपस पाया जाता है। नेक्स्ट बीजांड की बात करते हैं हम, सरसिनोट्रापस, कौन सा, सरसिनोट्रापस। और छठा बीजांड है कैम्पाइलोट्रापस। तो ये 6 प्रकार के बीजांड यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे होंगे कि द्विनिषेचन की क्रिया किन पौधों में पाई जाती है। तो इसका भी आंसर आप बड़े इजीली तरीके से दे पा रहे होंगे कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो है वो आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। अब यहाँ पे पहला विकल्प दे, दूसरा विकल्प दे रखा है ब्रायोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा होता है उस ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि ये प्लांट जो होते हैं ये पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले प्लांट थे, और इन्हें एम्फीबियन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ब्रायोफाइटा टर्म है इसको देने वाले वैज्ञानिक ब्राउन थे, कौन से, ब्राउन। और यहाँ पे शैवालों का अध्ययन किया गया है, तो इसके बारे में हमारे चैनल पे जाइए और डिटेल में क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ से सारी क्लासें आपको इजीली तरीके से देखने को मिलेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप भी इसका बड़े ईजली तरीके से आंसर दे पा रहे होंगे कि असंग जनन कहलाता है। अब असंग जनन जो है, इस टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विंकलर। कौन थे? विंकलर। और इसमें असंग जनन प्रोसेस होता क्या है, तो ये हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो असंग जनन क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई ओबरी है, यदि ओबरी में बिना निषेचन के, यदि बिना निषेचन के पौधे का निर्माण हो जाए या भ्रूण का भी निर्माण हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस या असंग जनन बोलेंगे। इसमें क्या हो जाए? बिना निषेचन के पौधे का निर्माण या तो भ्रूण का निर्माण, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन दिखाई देती है तो इस कंडीशन को हम असंग जनन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो कौन सा है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी परागकण मात्र कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपने इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। कितनी? डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हाइसिंथ और कुमदनी के पौधे होते हैं, इनमें जो होता है वो पोलिनेशन किस टाइप का पाया जाता है। तो जो हाइसिंथ और कुमदनी के पौधे होते हैं, इसमें कीट और वायु परागण पाया जाता है। कौन सा? कीट और वायु परागण पाया जाता है। आपने इसको भी बड़े ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परागकणों को द्रव के रूप में बहुत वर्षों तक नाइट्रोजन के किस तापमान पर रखा जा सकता है। तो आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा कि -196 सेल्सियस पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसे आंसर करते जाइए। तो यहाँ बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन है। तो इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। निभाग भाग बीजांड में पाया जाता है, नाभिका भाग भी बीजांड में पाया जाता है, और अंतः कवच जो होता है ये लघु बीजांडधानी की अंतरतम परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24 है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24 है। तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो आपने इसका इजीली तरीके से आंसर दे दिया होगा कि 36। अब ये 36 कैसे आया, इसकी डिटेल हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24। तो 2n लीफ में बताया था कि 2n संख्या होती है, तो 2n बराबर कितना होता है? 24। तो यहाँ से 2 से काट लेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ 12, हमने इससे पहले आपको बता रखा है अपनी वीडियोस में कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कितना होता है? 3n होता है। तो 3 ये हो गया और n कितना है? 12। तो यहाँ टोटल कितना आ गया? 36। तो इस प्रकार से आपका आंसर 36 आ गया होगा। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियल के खाने वाले भाग को रूपात्मक प्राकृत क्या है, यानी कि दैनिक जीवन में जब हम नारियल का उपयोग करते हैं तो जो हम खाते हैं अपने दैनिक जीवन में वो पहले इसकी कंडीशन क्या हुआ करती थी। तो आपको आंसर देना है फलभित्त। क्या? फलभित्त। और यहाँ से TGT में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नारियल होता है उसमें सेलुलर पार्ट और न्यूक्लियस पार्ट, जो सेलुलर पार्ट और केंद्रकी भाग होता है, ये दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं और ये खाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? कौन? भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? तो आपने इसका आंसर इजीली तरीके से दे दिया होगा कि पंचानन महेश्वरी को भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पे विकल्प बी दिखाई दे रहा होगा, रामदेव मिश्रा, ये हमारे भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कहलाते हैं। और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। और यहाँ पर आपको चौथा विकल्प दे रहा होगा सी बेंडा। तो सी बेंडा ने क्या किया था कि माइटोकांड्रिया का नाम रखा था। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी और जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बोर्ड पर आगामी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और या पूछे जा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।